गर्दन दर्द और कमर में दर्द का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है बैड पोस्चर। हम लाख कोशिश कर ले मगर काम करते करते हमारा गर्दन आगे झुक ही जाता है, क्या करें, ध्यान ही नहीं रहता। मगर आज मैं आपको एक ऐसे डिवाइस के बारे में बताऊंगा, जैसे आप गलत पोस्चर में आएंगे वो आपको अलर्ट कर देगा। हम इस स्ट्रैक के बारे में बात करेंगे, ये किस तरह से आपको सही पोस्चर ट्रेन करने में आपको मदद करेगा और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब हम इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो करना ये है कि सिंपल है, इस डिवाइस को आप इधर अपने गर्दन में पीठ में इस तरह से चिपका देना है बीच में और इसको ऑन कर देना है। जैसे ही आप गलत पोस्चर में आएंगे, मेरा कहने का मतलब है आप अपने शरीर को इस तरह से झुकाएंगे तो ये आपको अलर्ट करेगा। धीरे क्या है कि इस तरह से प्रैक्टिस करते 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 आपको एक हैबिट हो जाएगा अपने पोस्चर को हमेशा सही पोस्चर में रखने के लिए। तो चलिए एक क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं, इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। तो जैसे आप इस डब्बा को खोलेंगे, ये डब्बा देखिए बहुत अच्छा है बहुत, और इसके बॉक्स के पीछे में सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं। और जैसे इस बॉक्स को आप खोलते हैं, इसके अंदर में आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा एक कैरी केस मिलेगा, जिप्ड कैरी केस है। और इसके अंदर आपको जैसे आप खोलेंगे आपको एक ये आपको मेन यूनिट मिलेगा जिसे आपको अपने शरीर में अपने बैक में इसको प्लेस करना है। बगल में आपको ये मैग्नेटिक क्लास्प मिलेगा, ये आपको अपने गारमेंट में लगाने के लिए काम आता है। इसको कैसे यूज़ करेंगे हम आगे चल के देखेंगे। और साथ में आपको ये एडहेसिव भी मिलता है जिसके ज़रिए आप इसको अपने पीठ में चिपका सकते हैं। उसके बाद आपको ये माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल भी मिलेगा। दोस्तों, ये जो मेन यूनिट है इसे हमने अपने पीठ में जस्ट यहाँ पे आपको प्लेस करना है। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा दूँ, इस जगह में आप इसको रखना है। एनाटॉमिकली T2-T3 लेवल जो है वो बेस्ट रहेगा इसको प्लेस करने के लिए। और इसको अपने पीठ में लगाने का दो तरीका है, या फिर आप एडहेसिव यूज़ कर सकते हैं। आप साथ में जो पैक में एडहेसिव दिया हो गया है उसको एडहेसिव का पील ऑफ करें, उसको डिवाइस के पीछे की तरफ चिपकाएं और फिर उसका जो फिल्म है उसको निकालें और अपने पीठ में इस तरह से चिपका देता हूँ। जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक इस तरह से, ये देखिए ये अब ये चिपक गया है। एक और तरीका है इसको लगाने का, ये मैग्नेटिक क्लास्प, ये छोटा सा क्लास्प देख सकते हैं, ये इसमें मैग्नेट है, ये अच्छी तरह से इसमें चिपक जाता है। ये देखिए, तो ये देखिए ये इसमें अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो आपको करना ये है कि बेसिकली अपने शर्ट या फिर अपने टी शर्ट है उसमें आपको इस डिवाइस को अंदर की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ से इस क्लास्प को लगा देना। ये था दो तरीका, कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब एक्चुअली में इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सेटअप थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको अपने मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जो कि गूगल ऐप या फिर iOS ऐप दोनों जगह आप दोनों स्टोर्स में उपलब्ध है। तो माई स्ट्रैक है उस एप्लीकेशन का नाम, उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। पहली बार आप एप्लीकेशंस को खोलेंगे तो वो आपको ईमेल के ज़रिए रजिस्टर करने के लिए कहेगा। आप अपने ईमेल के ज़रिए रजिस्टर करें या फिर आप अपना फेसबुक अकाउंट के ज़रिए भी आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ऐप को दोबारा जब आप खोलते हैं तो ये ब्लूटूथ ऑन करने को कहेगा, आप सिंपली यस प्रेस करेंगे और मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा। उसके बाद डिवाइस को ऑन करना होगा, बस एक बार स्विच को दबाएं और पिंक LED अगर 3 बार ब्लिंक करे उसका मतलब डिवाइस ऑन हो गया है। अगला विंडो में मोबाइल और डिवाइस को ब्लूटूथ के ज़रिए पेयर करना होगा, इस ट्रैक आइकॉन को आप प्रेस करेंगे तो ये पेयरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट विंडो में आपको ट्रैक को कैसे पहनना है इसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। आपकी कन्वीनियंस के अनुसार आप मैग्नेटिक क्लास्प या फिर एडहेसिव चुन सकते हैं। इस वीडियो के लिए मैंने एडहेसिव चुना है और ये इससे जुड़ी सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। उसके अगले विंडो में हाउ टू सेट स्ट्रेट का इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, किस तरह से आप अपने फुट लेग और कमर को सीधा रखना है। इसके बाद का स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें डिवाइस को कैलिब्रेट करना है। ये एक तरीका है जिससे आप डिवाइस को अपने सही पोस्चर की जानकारी दे रहे हैं। बहुत आसान है, बस आप डिवाइस को पहने, जितनी सीधी हो सके बैठें और कैलिब्रेट बटन को प्रेस कर दें।
आपका डिवाइस 3 बार वाइब्रेट करेगा, मतलब कैलिब्रेशन हो गया है। तो ये ट्रैक आप बिल्कुल रेडी है यूज़ करने के लिए। आप इसको जब पहनेंगे उसके बाद गलत पोस्चर में जैसे ही आप आएंगे ये आपको अलर्ट कर देगा। तो ये दूसरे पोस्चर करेक्टर से किस तरह से अलग है? देखिए, दूसरे पोस्चर करेक्टर होता है, इसको हम इसको पहनते हैं और वो हमारे पोस्चर को सीधा करके रखता है, मगर इसमें ये पैसिवली आपका पोस्चर को करेक्ट करता है, इसमें एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपका, इसमें कोई आपका कोई एक्टिविटी इसमें नहीं है। तो बहुत चांसेस है कि आप इसमें डिपेंडेंसी आप डेवलप करें, आप उस जो पोस्चर करेक्टर है उसके ऊपर आप डिपेंड हो जाएं, और जब आप पोस्चर करेक्टर को निकालेंगे तो फिर से दोबारा आपका वो पोस्चर गलत पोस्चर आ जाएगा। इसके उलट स्ट्रैक जो है वो आपको पोस्चर सही करने के लिए अलर्ट करता है, आपको याद ध्यान दिलाता है कि आपको अपने सही पोस्चर में आना है, एक्टिवली आपको इन्वॉल्व करता है, जिससे इसका इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसका और एक फायदा है कि ये कंप्लीट पोस्चर ट्रेनर है, ये आपका केवल पोस्चर को ही ट्रैक नहीं करता है, ये आपका एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक करता है। आप अपने ऑफिस आवर में कितनी बार आपने गलत पोस्चर को अडॉप्ट किया और कितने देर आप इनएक्टिव होकर के बैठे हैं एक स्ट्रेच में, और उस दौरान आपने कितना वॉकिंग किया है, कितना स्टेप्स चले हैं, ये सब आपका ट्रैक करता है, जिससे आपको अपने बॉडी को एक्टिव रखने में काम आता है ड्यूरिंग योर ऑफिस आवर। इसके साथ साथ अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस भी करें, पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइजेस, तो ये एक एडेड बेनिफिट है। एक्सरसाइज आप सुबह उठ करके या शाम को जब आप फ्री हो जाते हैं ऑफिस आवर के बाद आप कर सकते हैं। तो क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है इसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बनाया, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय।